हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर की एकदम यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटर करी, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से, जो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मटर लिया है, जिसे मैंने छिलकर साफ कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे कि ग्राइंड करेंगे, हमें इसे एकदम फाइन पीसना है। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती और थोड़ा सा लहसुन की पत्ती डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन की पत्ती ना हो तो आप लहसुन की गांठ भी यहाँ पर ले सकते हैं। 7 से 8 कलियाँ ले लें और 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे पीस लिया है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, तो बस हमें इसी तरह का चाहिए। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे हमने मटर के पेस्ट को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच बेसन, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिला लिया, तो बस हमें इतना ही बेसन डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो केवल बेसन का टेस्ट आने लगेगा। और साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हींग, हींग जरूर से डालिएगा फ्रेंड इस रेसिपी में, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे और तेल को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और इसमें हम मटर के पेस्ट को डाल देंगे जो हमने अभी पीस के तैयार किया था। और इसे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे बराबर से। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे, तो उसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई ली है। इसमें हम पानी ले लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। और इसमें हम ले लेंगे 2 टमाटर और 2 प्याज, जितना टमाटर ले आप उतना ही प्याज ले। दोनों को मैंने 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ ही 6 से 7 काजू। काजू से हमारी ग्रेवी एकदम क्रीमी सी लगेगी, और मटर के साथ प्याज टमाटर और काजू भी अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा, तो दोनों साथ में हो जाएंगे। इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 15 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारा मटर अच्छे से स्टीम हो गया है। तो इसे हमें तुरंत नहीं कट करना है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम कट करेंगे, तब ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा। और ये जो टमाटर काजू और प्याज है, इसे हम एक पॉट में निकाल लेंगे और इसको हम एकदम फाइन पीस लेंगे। और ये जो पानी है, इसे फेंकना नहीं है, इसे हम मसाले में यूज करेंगे। वापस से मैंने गैस पे एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल ले लेंगे, और तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची जिसे मैंने खोल लिया है, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, और 1 छोटी इलायची और 1 लौंग, और इसे हम कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि मसाले का फ्लेवर तेल में अच्छे से आए। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भून गया है, तब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा जले ना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, तो हम वही पानी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने टमाटर और प्याज को बॉइल किया था। और आपको एक बात याद दिला दूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है।
अब हम इस टाइम इसमें टमाटर, प्याज और काजू का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे और पॉट में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से धुल के डाल देंगे। इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, तो हमने उसी पानी का इस्तेमाल किया है जिसमें प्याज और टमाटर को बॉयल किया था। तो ये पका हुआ है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। तो इस तरह से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको ना ही मलाई, ना ही कोई क्रीम और ना ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी और इससे आपके सब्ज़ी का टेक्सचर एकदम बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम क्रीमी सा, जैसे आप होटलों में खाते हैं सेम वही टेस्ट आएगा। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हमारा मटर भी अच्छे से सेट हो गया है, हम इसे कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इस तरह से कट कर रही हूँ, आप अपने चॉइस के हिसाब से, आपको जिस तरह से कट करना हो उस तरह से कट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप इसे कट कीजिएगा, नहीं तो ये अच्छे से सेट नहीं रहेगा। जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये घुल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड ये कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लीन अच्छे से निकल के आया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिना फ्राई किए हुए बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। तब हम इस टाइम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, मिला दें इन सबको। अब हम इसमें डालेंगे नमक और साथ ही 1/2 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे हाथों में इस तरह से क्रश करके डाल दें, मिला दें इन सबको और इसे हम कवर करके 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारी तरी में बॉयल आ गई है और हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। तब इस टाइम हम इसमें मटर के क्यूब को डाल देंगे। और इसे हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे हम कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, यहाँ पे हमारा मटर पका हुआ है तो बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, मिला दें इन सबको। तो ये लीजिए फ्रेंड, एकदम अलग तरीके का मटर की करी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, साथ ही ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही है, तो इस तरह से मटर की करी बनाएं और उन्हें सर्व करें। वो पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है और आपकी तारीफ भी करेंगे। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।